हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। मैं हूँ पूजा राव और आप सबके लिए लेके आ गई हूँ अंशु शुभम ऑफिशियल का अपडेट। मैंने अभी भी उसका एक वीडियो आ गया है, तो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और हर एक अपडेट के पीछे, हर एक वर्ड के पीछे अंशु के ना दर्द छुपा हुआ है, आप जाकर देख सकते हो ब्लॉग। और मैंने पहले ही बता दिया था कि उसका फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ है और ससुराल वालों के साथ ही प्रॉब्लम हुआ है, तो बहुत लोग इस चीज़ को मानने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि आप उनके घर में क्यों बोल रही हो, या तो आप उनके घर में जाकर देखती हो। तो जितना कुछ भी मैं बोली हूँ, आप एक एक चीज़ में सही बोली हूँ, तो आप मेरा पुराना ब्लॉग देख सकते हैं, जिससे आपको इस चीज़ की पुष्टि हो जाएगी। और रही बात गाइस, देखिए किसी भी लड़की को ना, देखिए अंशु अपने जगह पे आप सोचेंगे कि सही है कि आप गलत सोच रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अंशु जितना बोर, अंशु ने अपने लाइफ में तकलीफ बहुत देखे हैं गाइस, लेकिन ये दुनिया ऐसी है ना, कोई किसी के ना सुख और कोई किसी के दर्द, दो दिन के लिए लोग दर्द समझते हैं, तीसरे दिन आपके दर्द को भूल जाएंगे। और आपके ना, ये तो दुनिया ऐसी है गाइस, जब आपके घर में किसी का डेथ हो जाएगा ना, कोई मर जाएगा, तो एक दिन रोएंगे, दूसरा दिन रोएंगे, और 12वें दिन जिस दिन खिलाना रहता है ना सबको, लोग जब खाने, पूरी भी खाने बैठते हैं ना, तो गर्म गर्म पूरी खाने का इंतजार करते हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं ऐसे समाज से कि आप इतनी बोलबली रहोगी, आप इतनी बोलोगी, सासू माँ के गले पे तलवार रख दोगी, या फिर अपनी मौसी सास या सासू माँ का ऐसे ऐसे कर दोगी, तो तुमको ये समाज इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा? तो ये चीज़ तुमको मानना पड़ेगा, क्योंकि देखो समाज में, तुम इस समाज में रहती हो, या तो इस समाज को मतलब तुम पूरा ही इग्नोर कर दो, या तो फिर ये करो, क्योंकि अगर तुम समाज में रहती हो, समाज की बात सुनोगी, तो जो तुम हरकतें करती हो, देखो तुम, हो सकता है तुम ऐसी ही हो, ये तुम जानती हो कि तुम ऐसी हो, तुम्हें बोलना अच्छा लगता है, तुम्हें बिना बात का बोलना अच्छा लगता है, लेकिन पूरा दुनिया इस चीज़ को नहीं मानता है। डियर, तुम्हारी वीडियो देख कर ना आंखों में आंसू आ जाता है कि इंसान तुम्हारा, जब मैंने देखा पॉडकास्ट जो तुम्हारा बकबक विद किट्टो में हुआ था ना, मैंने वो पॉडकास्ट देखा, मजा आता है तुम्हारे बारे में जानकर, तुम्हारे असलियत को जानकर, क्योंकि एक लड़की 3 साल में इतने चीज खो चुकी है, फिर भी वो अभी आप, तुम चल रही हो, तुम ठीक हो, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी इतना ना हिम्मत, एक गट्स होना चाहिए सब में, जो सब में भगवान ने गट्स नहीं दिया है, जो तुम्हारे अंदर है, और तुम इस सारी चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए चल रही हो। तुमने खुद की शादी के लिए भी आगे बढ़कर, मतलब जो आंटी से बोला, जो भी किया, जैसे किया, तुम हर एक जगह सही हो। लेकिन रही बात ससुराल में, मैंने पहले ही बोल दिया था वीडियो में आकर कि उसको लेट उठने की वजह से तुम्हारे खाना नहीं बनाने, हो सकता है तुमको खाना बनाने नहीं आता है, तो अब एक देखो, ये तुम्हें ये चीज़ ना सही लगे गलत लगे, कि तुम्हें आता ही नहीं तो तुम बनाओगी कैसे। तुम अपने ससुराल में 1 बजे सोती थी, 1 बजे दिन तक सोती थी, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तुम्हारा एक फैमिली है जिससे तुम्हारी शादी हुई है, वो है, हो सकता है एक पल के लिए तुम्हारी सासू माँ इस चीज़ को भूल जाए, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना, तुम्हारी सासू माँ जब काम करेंगी और तुम सोई रहोगी, तो उस चीज़ को लोग पतंगड़ करेंगे ही करेंगे। अब देखो, इसका फैसला आप तुमको करना है, या तो अपने फैमिली वालों को समझाना है कि सब लेट से सो के उठे, या तुम लेट से सो के उठो, पहले खाना बन जाए, जो भी है, छोटी बड़ी चीज़ें जो है, तो तुम अपने हिसाब से इसको ना एडजस्ट करो, ज़िंदगी जीना है ना। और इतना जल्दी ना तुम हार नहीं मान सकती यार, क्या मोटिवेशनल बोल रही हो तुम, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, पॉजिटिव कमेंट, पॉजिटिव निगेटिव कमेंट्स कुछ नहीं होता। तुम ना खुद को स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रांग तुम तो स्ट्रांग हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भगवान ने तुम्हारे संग जितना गम दिया है, जितना दुख दिया है ना, शायद ही किसी के साथ हो, और भगवान ना करे किसी को ये गम और ये दुख, किसी को ये दर्द से किसी को गुजरना पड़े। लेकिन मैं तो तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि तुम अपने ना ससुराल को मत खोना, और जो फैमिली होता है, और जिन लोगों को अभी भी मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारा फैमिली के साथ ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि तुमने जितने बात कैमरा के सामने आकर बोला ना, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा दर्द दिख रहा था, कि लास्ट में तुमने ये चीज़ बोला भी कि मैं जो बोल रही हूँ ये मैं नहीं हूँ, तो ये बस बात सही है, क्योंकि तुमने आज सच नहीं बोला है। बहुत जगह तुमने, हो सकता है अपनी मौसी सास को लेकर, हो सकता है अपनी सास को लेकर, तुम उस चीज़ को छुपाई हो कि सोशल मीडिया पर उनकी बदनामी ना हो, कि तुम्हारे, अगर तुम्हारा फैमिली में, देखो हर एक इंसान जब दुख में आता है तो उसको अपनी फैमिली याद आती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। तुम अपने हस्बैंड जी, अपने वो जो सुधांशु, जो तुम्हारा क्या दोस्त देवर जो भी हैं वो, और कोई डॉक्टर साहब के संग तुम हनुमान मंदिर गई हो, लेकिन उसमें तुम्हारी फैमिली सास ससुर नहीं है, इसका मतलब यही है, तुमने खुद ही बोला कि घर पे तुम्हें ना घर काटने को दौड़ रहा है, घर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो बात सही है, क्योंकि तुम्हारा उस घर से ही तुमको प्रॉब्लम हुआ है, उस घर के लोग से, तुमने कहीं ना कहीं इस बात
ये भी अंशु ने गाइस ये भी एक्सेप्ट किया इस वीडियो में कि वो कहीं ना कहीं घर वालों के ना जो बोलते हैं तुम इतना जल्दी उठ जाओ, हम नहीं उठ सकते हैं, लोग जो उससे उम्मीद कर रहे हैं। अंशु ने यहाँ पूरा क्लियर कर दिया है कि जो लोग ना, तो गाइस उसके ससुराल में इसी सब चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हुआ है और अभी भी वो इस चीज़ को ना मतलब माइंड से ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि वो सोची थी कि मेरे ससुराल के सारे लोग जानते हैं मैं 12-1 बजे तक सो के उठती हूँ। देखो दूर का ढोल सुहावन लगता है, तुमने कहानी सुनी होगी। तो अभी भी तुम्हारे हस्बैंड का एक ही वर्ड निकल रहा है, शुभम तुमको प्यार बहुत करता है, उसकी आंखों में दिखता है, लेकिन अभी भी तुम्हारे हस्बैंड का एक ही वर्ड निकल रहा है कि कोई पेड़ से सीख के नहीं आता, सीख जाओगी, हो जाएगा सब कुछ। यानी वो भी तुमको ये चाह रहे हैं कि आस्ते आस्ते तुम घर के काम को सीखो, घर को मेंटेन करना सीखो। यहाँ पर रही बात तुमने बोली पढ़ाई की लेकर, तो कि बेटी के काम ना, बेटी को कोई नहीं बोलता है, बहू को बोलता है, तो बेटी कभी बहू नहीं बन सकती, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तो ये बात तुमने किसके लिए बोला? घर वालों के लिए ही बोला। चाहे तुम दुनिया के नाम पे बोलो, चाहे जो ये सोशल मीडिया पे ही, तुम भी और सब इन्फ्लुएंसर की तरह ही हो गई कि कमेंट करने वाले गलत हैं, कमेंट करने वाले गलत हैं, कमेंट करने वाले गलत हैं। देखो कोई भी बात होता है ना, तो लोग कमेंट करने वाले को ही बोलते हैं, जबकि ये सब्सक्राइबर ना हो, ये व्यूवर्स ना हो। और तुमने तो पर्सनली चलो एक जन का ही बोला किसी को, तो वो हो सकता है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन ये व्यूवर्स कभी किसी को ना गलत नहीं बोलते हैं। एक दो व्यूवर्स हैं जो कुछ कुछ कभी कभी बोल देते हैं, क्योंकि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। मेरे भी वीडियो के नीचे आकर अभी तुम्हारे अंशु के सपोर्ट में इतने लोग गलत कमेंट्स कर दे रहे हैं, क्योंकि वो मेरा पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं थोड़ा सा, जबकि मैं सारा वीडियो अंशु का सपोर्ट में ही बनाई हूँ, तो लोग वीडियो नहीं देखते हैं, कुछ भी कमेंट्स कर देते हैं, तो ये भी गलत है। लेकिन देखिए जब भी मैं तो ये भी मानती हूँ कि जो लोग ना बुरा कमेंट्स भी करते हैं, वो अपना टाइम निकाल कर हमको मुझे देखते हैं, उसके बाद ही आके कमेंट्स करते हैं, ऐसे कोई कमेंट्स नहीं करता है। तो मैं तो यही आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि चलो उसके वीडियो के नीचे आप लोग निगेटिव कमेंट्स मत करो। और मैंने पहले भी बोला है उनके घर में प्रॉब्लम हुआ है, सास से हुआ है या मौसी सास से हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम हुआ है, जिसको मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने। अगर मेरी बात आप लोग को सच लगती है तो एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को मेरी बातों पे ट्रस्ट है। मुझे पूरा ही यकीन है उनके फैमिली में ससुराल में लेके हुआ है। और उसने ये भी बोला है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, अंशु ने ये बात एक्सेप्ट बोला है कि मेरे पति को सिर्फ फर्क पड़ता है मैं नहीं पढ़ूंगी, तो बाकी लोग तो यही चाहते हैं कि मैं नहीं पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, क्योंकि उसका सपना है वकील बनना है, क्योंकि उसको अपने पास्ट में अपने मम्मी पापा के प्रॉपर्टी को लेकर और उसके भाई का जो भी कुछ हुआ था उसको लेकर बहुत कुछ करना है, और लोन चुकाना है, क्या करना है, लेकिन जो भी उसको लोन चुकाना है, उसके पापा मम्मी का जो लोन था, आई थिंक स्कूल तो इसने बनवाया नहीं होगा, या बनवाया है तो इसको उसने आज ये भी बता दिया वीडियो में कि 11 लाख का उनको लोन है। तो आप लोग व्यूअर लोग जाइए और अच्छे अच्छे व्यू दीजिए उनके वीडियो पे, उनका 11 लाख का लोन चुकना चाहिए, और क्यों नहीं, आप लोग तो हैं ही सपोर्ट करने के लिए कि लोगों का 11 लाख 10 लाख यूं ही क्लीन करवा देंगे आप लोग, तो जाकर भर भर के व्यू दीजिए उनके वीडियो पे और उनको फेमस कीजिए मिस अंशु को। और मैं यही बोलना चाहूँगी, यहाँ भी बोलना चाहूँगी कि अंशु बहुत स्ट्रांग है, अंशु सही है, लेकिन कुछ आदतें ना इंसान को सीखनी पड़ती है, क्योंकि ससुराल ससुराल होता है, नहीं तो फिर से घर में महाभारत होगा, या तो आप, लेकिन फैमिली को कभी छोड़ने का डिसीजन मत लेना गाइस, क्योंकि इंसान ना हर जगह से भले इंसान किसी को कुछ भी बोल दे, लेकिन सबसे लास्ट वक्त पे ना आपको फैमिली का ही साथ आता है और फैमिली ही काम आती है। और अपने ना कभी भी फैमिली से दूर जाने से पहले अपने हस्बैंड का चेहरा देखना, क्योंकि वो अपने फैमिली से ना बहुत जुड़े हैं, और उनके बातों से लगता है ना कि शुभम बहुत ज़्यादा, बहुत कम उम्र का है लेकिन मैच्योर बहुत है, उसकी बातों से ही पता चलता है। और तुम्हारे खुशी के लिए जब इतना कुछ कर रहा है, तो तुम्हें भी उसकी खुशी के लिए खुद को थोड़ा बहुत चेंज करो, ज़्यादा अपने आप को खोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज करो। खाना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, तुम सीख लो, कुछ कुछ मम्मी का हेल्प करो, कुछ थोड़ी बहुत सीखते सीखते सीख जाओगी। और जो चीज़ प्यार से सॉल्व हो सकता है ना, ऐसे भागा भागी दौड़ा दौड़ी से नहीं सॉल्व होगा। तो मेरी बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा मुझे और पूजा राव को, और मेरी वीडियो और मेरे लाइफ से रिलेटेड जानने के लिए मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग किसके ऊपर देखना चाहते हैं कमेंट्स कीजिएगा।